लोकसभा चुनाव के लिए डीएमआरसी ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि शनिवार को मतदान के दिन सभी कॉरिडोर पर मेट्रो सुबह 4 बजे से रफ्तार भरेंगी ताकि चुनाव ड्यूटी के दौरान ड्यूटी में लगे कर्मचारी आसानी से और समय से मतदान केंद्रों पर पहुंच सकें। राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव मतदान 25 मई को होने जा रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्रों तक जाएंगे। इतना ही नहीं, मतदान केंद्रों तक पहुंचने के लिए चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी भी मेट्रो ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में इन सभी लोगों को परेशानी ना हो, दिल्ली मेट्रो ने यात्रियों के लिए शनिवार को लेकर जरूरी जानकारी दी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की ओर से बताया गया कि लोकसभा चुनाव के दिन दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी लाइनों पर सुबह 4 बजे से शुरू हो जाएंगी। इस दौरान सुबह से मेट्रो ट्रेन हर आधे घंटे के अंतराल पर मिलेगी। वहीं रोजाना के शेड्यूल के अनुसार सुबह 6 बजे के बाद सभी लाइनों पर ट्रेन सेवाएं नॉर्मल हो जाएंगी और बस कुछ मिनट की फ्रीक्वेंसी में ट्रेन मिलती रहेगी। इस वजह से चुनावी ड्यूटी में लगे कर्मचारी मेट्रो का इस्तेमाल करके अपनी ड्यूटी स्थल तक पहुँच सकते हैं। बहरहाल दिल्ली में 13,637 मतदान केंद्र है। हर मतदान केंद्र पर 5 कर्मचारी तैनात किए गए। टोटल टीवी दिल्ली डेस्क।